बोर्ड एग्जाम के लिए आप कितना भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपकी सारी तैयारी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हम लोग को रिवीजन ज्यादा करना चाहिए। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करें, जिससे कि आपकी याददाश्त में वो सारे क्वेश्चंस मौजूद रहे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम लोग रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो कि स्टूडेंट के छक्के छुड़ाते हैं, जबकि स्टूडेंट इस चैप्टर में क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं समझ में नहीं आता है। इतना मजेदार क्वेश्चन सभी इसमें होते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा परेशानी में फील करते हैं। आज हम लोग दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, एक आइडेंटिटी होगा और ये दूसरा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो कि आइडेंटिटी है, पहले हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। cos 4x माइनस साइन 4x बाय 1 माइनस 10x इज इक्वल टू cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec x इंटू cos x। LHS का कुछ वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, RHS का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों सेम आ जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी देखा गया है कि आप LHS को लेके चलते हैं तो डायरेक्ट RHS में पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि LHS को लेके चलने पर डायरेक्ट RHS नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LHS का कोई वैल्यू फाइंड करो, RHS का कोई वैल्यू फाइंड करो, दोनों देख लो इक्वल है, प्रूफ हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। LHS लेके हम लोग चलेंगे, LHS इज इक्वल टू हम लोग इसको लिखते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कर देंगे जो क्वेश्चन है 1 माइनस, फिर इसको 10x को हम लोग लिखते हैं साइन x बाय cos x। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहे, कोई एक्सप्रेशन हो, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसका कि वैल्यू हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, इसको ए मान लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो a प्लस बी हुआ, अब a माइनस बी होगा तो cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x, फिर डिवाइड कर देंगे इसको, यहां पर LCM cos x हो जाएगा तो cos x इंटू 1 cos x और माइनस साइन x, और ये जो LCM cos x होगा ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहां पर आके cos x बन जाएगा। अब यहां पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ही फॉर्म में एक बार फिर टूट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x और इंटू हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और ये cos x मल्टीप्लाई रहने देंगे और डिवाइड इसका कर देंगे हम लोग cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x। यहां पर ये cos x माइनस साइन x और ये cos x माइनस साइन x ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x और इंटू यहां पर cos x प्लस साइन x इंटू साइन x इंटू cos x, ये हमारा
वैल्यू आता है LHS का, RHS इज इक्वल टू cot x को लिखेंगे cos x by sin x, और +1 लिख दिए, फिर डिवाइड करेंगे sec x को लिखेंगे 1 by cos x, तो 1 by cos x लिख देते हैं इसको, और इनटू cos x x को लिखेंगे cos x को 1 by sin x इज इक्वल टू, यहां पर से LCM लेंगे इसके नीचे में 1, तो sin x LCM हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा cos x plus sin x, cos x plus sin x, और इसका जो LCM ये sin x था ये नीचे आ जाएगा sin x, और इनटू 1 by cos x और इनटू 1 by sin x, यहां पर देख रहे हैं कि ये sin x और ये sin x, ये वाला sin x और ये sin x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बच जाएगा 1, और ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x plus sin x और इनटू cos x, ये हमारा RHS का वैल्यू आया है और LHS का वैल्यू ये आया है, दोनों वैल्यू सेम है, हम लिखेंगे therefore LHS is equal to RHS, hence proved. CBSE examination के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, और CBSE और ICSE वाले स्टूडेंट जरूर उसको देखिए, उसमें वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जो कि हाइट डिस्टेंस का है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। व्हेन द प्लेन्स आर इन लैंडिंग पोजीशंस, इसका मतलब दो प्लेन्स है, द पायलट फ्रॉम बी कैन सी पायलट ए एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब देखो, पायलट ऑफ बी पायलट ए प्लेन को देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है कि पायलट बी यानी कि प्लेन बी नीचे है और प्लेन ए ऊपर है। हम लोग मान लेते हैं कि ये लैंड है, प्लेन बी नीचे होगा, तो इसको हम लोग यहां पर मान लेते हैं और प्लेन ए को यहां पर मान लेते हैं, ये दोनों प्लेन है, इसको B मानेंगे और ये A हो जाएगा, ये दो पोजीशन है दोनों प्लेन्स का। अब प्लेन B का पायलट प्लेन A के पायलट को जब देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये जो पॉइंट है यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो बी एंड ए आर टू प्लेन्स, ये बी एम मान लेते हैं और ये एन मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, ये तो क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बी पायलट देखता है ए को वो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री क्लियर है। अब आगे की बात है, प्लेन बी इज 740 मीटर एबव, प्लेन बी इज 740 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 740 मीटर ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये 740 मीटर है, हम कह सकते हैं बी एम इज इक्वल टू 740 मीटर, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स ए एंड बी इज 50√3 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है 50√3 मीटर, यानी MN दिया हुआ है 50√3 मीटर। व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए, प्लेन ए का ऑल्टीट्यूड क्या है, यानी हमको फाइंड करना है AN, AN इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, BN 740 है तो पी एन भी 740 ही हो जाएगा, ये सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे, तो ये 740 तो ये भी 740 मीटर्स।
यानी PN भी 745 हो गया। MN इज इक्वल टू 50√3 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज 50√3 देयरफॉर BP इज इक्वल टू 50√3 तो ये भी 50√3 मीटर हो गया। यहां तक हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग ये जो AP है, AP को हम लोग x मीटर्स मान लेते हैं, नॉट इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, नॉट इन राइट एंगल ट्रायंगल APB, APB ट्रायंगल में या ABP ट्रायंगल में AP by PB, AP by PB is equal to ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो P by B is equal to 10 30 degree, तो हम लोग इसको 10 30 degree लिखेंगे। That implies AP, AP x है, x by PB 50√3, यहां पर हम लोग इसको 50√3 ले लेंगे इज इक्वल टू 10 30। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे 10 30 1/√3, तो हम लोग इसको 1/√3 लिख देते हैं। ये रूट थ्री और ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 into 150, यानी कि x अगर 50 मीटर निकलता है तो प्लेन ए का ऑल्टीट्यूड क्या होगा। देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेन ए इज इक्वल टू x प्लस 740 meters। x का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 50 + 740 और मीटर में आएगा ये इज इक्वल टू 790 meters। इसका मतलब है कि प्लेन ए हॉरिजेंटल से जमीन से 790 मीटर ऊंचाई पर है और प्लेन बी तो 740 मीटर दिया हुआ ही था। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करो। जो फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको बोलो कि प्लेलिस्ट देखें, काफ़ी हेल्प उनको ये प्लेलिस्ट करेगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।